आपके साथ निकिता पांडे। रफ्तार के खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं श्रेया घोषाल की। बेहतरीन सिंगर की लिस्ट में श्रेया घोषाल का नाम टॉप पर आता है। सिंगर का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन राजस्थान में ही बिताया है। श्रेया को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था। उन्होंने 4 साल की उम्र से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि श्रेया ने रियलिटी शो सारेगामापा महज 16 साल की उम्र में जीता था। उसी के बाद श्रेया का करियर शुरू हुआ। श्रेया ने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास के लिए गाना गाया, जिसके लिए उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर और फिल्म फेयर आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट से नवाजा गया। इसी के साथ श्रेया ने अपने करियर में कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। फिल्म के अलावा श्रेया को कई रियलिटी शो में बतौर जज के रूप में भी देखा गया है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो राज्य ने सिंगर को सम्मानित किया था, जहां पर गवर्नर ने 26 जून 2010 को श्रेया घोषाल दिवस के रूप में घोषित किया है। साथ ही अप्रैल 2013 में उन्हें यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने गए सदस्यों में लंदन में सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं श्रेया घोषाल की प्रॉपर्टी की, तो सिंगर के पास 182 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी कमाई गानों से होती है। कई रियलिटी शो में बतौर जज हिस्सा ले चुकी हैं, तो उन्हें वहां से भी अच्छी कमाई हो जाती है। उनके हर महीने की कमाई 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है और वह सालाना 12 करोड़ रुपए कमाती हैं। सिंगर का एक घर कोलकाता में है और दूसरा मुंबई में। श्रेया की इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।